खबर बिहार से, जहां गया का पटवा टोली एक बार फिर चर्चा में है। यहां के ज्यादातर लोग बुनकर के पेशे से जुड़े हैं। गांव के लोग गरीब हैं, माली हालत अच्छी नहीं है, गांव में सुख सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस गांव के 20 बच्चे आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। कैसे गरीब परिवार के इन बच्चों को आईआईटी में कामयाबी मिली, देखिए इस रिपोर्ट में। देख लीजिए इन होनहारों की तस्वीर। एक दो नहीं, कुल 20 छात्र हैं। बिहार के एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर कोई गरीबी में रहता है और बुनकर का काम कर पेट भरता है। उन्हीं बुनकरों के बच्चे हैं ये। इन्हीं बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा जी एडवांस पास की है इन्होंने। आईआईटी के लिए चुने गए हैं ये सभी छात्र। ना कोटा गए, ना बेंगलोर और ना ही दिल्ली। गांव में रहकर ही इन छात्रों ने पढ़ाई की और वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र भी नहीं कर पाते हैं। गया के पटवा टोली गांव में रहते हैं ये छात्र। सभी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इतने गरीब के 2 जून की रोटी के लिए भी घंटों इन मशीनों से जूझना पड़ता है। ऐसे हालात में पढ़ाई पर पैसा खर्च करना नामुमकिन है, इसीलिए इस गांव के छात्र गांव में रहकर ही किसी तरह एक दूसरे की मदद कर आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं और हर साल इस गांव के बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं। 1469वीं रैंक पाने वाला ये रंजीत है, लेकिन रंजीत के लिए ये रैंक हासिल करना आसान नहीं था। पिता बुनकर हैं, लेकिन बेटे को पढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने 18-18 घंटे काम किया, सिर्फ इसलिए कि बेटे की पढ़ाई के लिए किताबें ला सकें। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हम अभी से ही जैसे दूसरे के यहाँ से पैसा ले कर के पढ़ रहे हैं, तो मतलब जब जॉब वगैरह अगर मतलब जब होगा तो उन्हें पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोग करीब 12 घंटा की जगह पर हम 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, मतलब ओवर। सनी के पिता भी बुनकर हैं, मजदूरी कर थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए जितना हो सका उतना उधार लिया, लेकिन बेटे को पढ़ाई में कमी नहीं होने दी। पूरा श्रेय मैं अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने 2 साल तक मेरे हमेशा सपोर्ट में रहे। आर्थिक तंगी होते हुए भी उन्होंने मुझे CM क्लासेस में, जो मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ उन्होंने पढ़ाया। ये 2 सालों में तो बहुत बार आई, जब मंथली फी देने को होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कैसे दे वही, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके पैसे जुटाते थे और फी देते थे। इसी गांव के रंजन से भी मिलिए। OBC कोटे से 1880 रैंक आई है रंजन की। रंजन के पिता नागेंद्र बुनकर की मशीनों को रिपेयर करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इन्होंने भी बेटे को पढ़ाने के लिए हर कोशिश की और आज बेटे ने कामयाबी हासिल की। इसके लिए मेरे पिताजी ने बहुत कड़ी मेहनत किया मेरे पढ़ाने के लिए, और पैसों की कमी तो होती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए भी पैसे की दिक्कत तो होगी, उसके लिए अगर बैंक से लोन मिल जाएगा तो बहुत भारी रहूँगा। पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने और हम लोग को आगे फिर दिशा निर्देश दे कि हम लोग का घर अच्छा से चले। हर साल पटवा टोली गांव के बच्चे आईआईटी के लिए चुने जाते हैं। पिछले 23 सालों से 300 से ज्यादा इंजीनियर इसी गांव से निकल चुके हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक यहां से निकले इंजीनियर नौकरी कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसीलिए आईआईटी में दाखिला पा चुके नए छात्रों की मदद करते हैं और इस आपसी सहयोग से बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं। अजीत कुमार, इंडिया TV, गया।